कि 15,000 रुपये से कम है और आप चाहते हैं एक ऐसा स्मार्टफोन लेना जो दिखने में अच्छा हो, भरोसेमंद हो और साथ में पैसा वसूल भी हो, तो आज चलिए नोकिया 5.3 का रिपोर्ट कार्ड ले लेते हैं। और ये वीडियो जो है ये पूरा ध्यान से देखिएगा, ये सारा का सारा रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि क्या पता आपका नेक्स्ट स्मार्टफोन यही हो। तो चलिए मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को लेने का फैसला करना बेहद आसान होता है। मतलब अगर मेरे पास पैसे हैं, मेरा अच्छा बजट है और मुझे एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना है, फॉर एग्जांपल मुझे आईफोन लेना है, तो मैं आईफोन ले लूँगा, सिंपल। लेकिन असली कन्फ्यूजन तब आता है जब आपको मिड रेंज या बजट रेंज में कोई स्मार्टफोन लेना होता है, क्योंकि वहाँ पर ढेरों ऑप्शंस होते हैं, बजट लिमिटेड होता है और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है। अब नोकिया 5.3 ये ढेर सारे फैले हुए ऑलरेडी मार्केट में कन्फ्यूजन को बढ़ाता है या उस कन्फ्यूजन को दूर करता है, आज यही पता करते हैं। तो शुरुआत करते हैं नोकिया 5.3 के रिपोर्ट कार्ड की और सबसे पहले बात करेंगे इसके लुक्स एंड डिजाइन की। बजट फोन्स में तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जी प्लास्टिक वाली डिजाइन दे दी, पीछे बैक पैनल के ऊपर एकदम ग्लॉसी फिनिश दे दी, चमचमाता सा कोई रिफ्लेक्शन वाला पैटर्न दे दिया जिसमें लाइट्स मतलब एकदम अलग अलग रंगों में चमचमाए और बस जी हो गई आपकी सस्ते स्मार्टफोन की डिज़ाइन तैयार। लेकिन ऐसी डिज़ाइन ज़्यादातर आपको चाइनीज स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है। नोकिया तो अपने यूरोपियन रूट्स और नॉर्डिक डिज़ाइन फिलॉसफी को लेकर हमेशा से जाना जाता रहा है, इसीलिए ये नोकिया 5.3 ये 14,000 रुपये का स्मार्टफोन थोड़ा सा अलग है। तो नोकिया 5.3 में काफ़ी नीट एंड क्लीन डिजाइन फिलॉसफी आपको देखने को मिलती है। इसका बैक पैनल प्लास्टिक का जरूर है पर ये मैट फिनिश वाला है, यानी कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट इसका बैक पैनल जरा सा भी नहीं है। नोकिया 5.3 की डिजाइन को लेकर मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, वो है प्लेजेंट। मतलब लुक्स एंड डिजाइन के मामले में नोकिया 5.3 में आपको नफरत करने लायक एक भी फीचर नहीं मिलेगा। मतलब भले ही इससे खूबसूरत स्मार्टफोन बाजार में बहुत बिक रहे हों, लेकिन नोकिया 5.3 की डिज़ाइन मतलब जिसे कहा जाए आप उसे बदसूरत तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हाथ में भी एकदम परफेक्टली फिट बैठता है और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी पीछे बैक पैनल की तरफ भी है, तो उससे अच्छी ग्रिप भी मिल जाती है। बाय द वे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी मतलब एक्यूरेटली और फास्ट काम करता है। नोकिया 5.3 की डिज़ाइन में कुछ और भी अच्छी बातें हैं, जैसे कि इस तरफ आपको ये गूगल असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन मिलता है जो एकदम मस्त परफॉर्म करता है। वहीं दूसरी तरफ इसका जो पावर बटन है उसका बड़ा बखूबी इस्तेमाल किया गया है। इसी के अंदर नोटिफिकेशन अलर्ट का एक एलईडी लाइट दे दी गई है। कुल मिलाकर अगर आपको सिंपलिस्टिक डिजाइन पसंद है तो नोकिया 5.3 आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन अगर आप उन कंज्यूमर्स में से हैं जिनको अपने स्मार्टफोन में ज्यादा फ्लैशी, ज्यादा जैजी डिजाइन पसंद है, देन दिस इज नॉट फॉर यू। कुल मिलाकर नोकिया 5.3 को लुक्स एंड डिजाइन के मामले में मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले के मामले में नोकिया 5.3 ठीक ठाक है। मतलब 15,000 रुपए से कम के बजट में आई एम श्योर कोई भी कंज्यूमर मतलब किसी भी डिस्प्ले में HDR 10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले की उम्मीद तो नहीं ही पाले बैठा होगा। इसका 6.55 इंच का डिस्प्ले बढ़िया है और इसमें कलर्स काफ़ी नेचुरल नज़र आते हैं इसके डिस्प्ले पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। भले ही ये स्मार्टफोन नोकिया 5.3 के अंदर दिया गया जो डिस्प्ले है वो इस वक्त बाज़ार में बिक रहा सबसे खूबसूरत डिस्प्ले ना हो, सबसे बेहतरीन डिस्प्ले ना हो, पर इतनी दूरी से इस फ़ोन को ऑपरेट करते वक्त आप इसके डिस्प्ले में फ्रेंकली आप बहुत ज़्यादा नुक्स नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, अगर आप एक गेमर हैं और रोज़ाना आप हाई एंड ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलते हैं तो इसके डिस्प्ले पर आपको नुक्स बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। तो अगर आप एक गेमर हैं देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन हाँ, अगर जनरल यूजर्स अगर आपको करनी है अपने स्मार्टफोन से, तो उस लिहाज से नोकिया 5.3 का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। हाँ, नॉच और ये जो बेजल्स दिए हुए हैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ अगर नोकिया के इंजीनियर्स कर लेते, नोकिया के डिज़ाइनर्स कर लेते, तो ये डिस्प्ले और ज़्यादा बेहतर होता। कुल मिलाकर डिस्प्ले के मामले में नोकिया 5.3 को मैं दूंगा 10 में से 6 नंबर। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की।
द बेस्ट पार्ट अबाउट नोकिया 5.3 इज कि इस पर, इस फोन के ऊपर आपको एंड्रॉयड का एकदम प्योर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, एंड्रॉयड वन प्रोग्राम वाला। और जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस फोन के अंदर आपको वो ऊल जलूल से आलतू फालतू के बेवजह के ढेरों ऐप्स ब्लोटवेयर के तौर पर इस फोन पर प्रीलोडेड नजर नहीं आते, जिससे लॉन्ग रन में ये फोन बहुत जल्दी स्लो नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही जिसे कहा जाए दूसरा फायदा ये है कि सिक्योरिटी पैचेस और ओएस अपडेट एंड्रॉयड वन प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के कारण आपको वक्त पर मिलते रहेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ओएस अपडेट्स के इंतजार में आपको सालों साल वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड्रॉयड वन प्रोग्राम के साथ ये जुड़ा हुआ है तो नोकिया 5.3 पर आपको नेक्स्ट 2 ओएस अपडेट्स गारंटेड है। मतलब आपने एक बार फोन खरीदा तो अगले 2 साल तक आपको ओएस अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड्रॉइड के, जो कि बहुत रेयर फीचर है एंड्रॉइड इकोसिस्टम में। बाकी इसके प्रोसेसर और रैम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नोकिया 5.3 की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, ऐप स्विचिंग काफी स्मूथ है और कोई मेजर लैग रोजाना की परफॉर्मेंस में आपको महसूस भी नहीं होता। लेकिन स्टिल मैं नोकिया 5.3 को किसी भी गेमर को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मतलब अगर आप गेमर हैं तो मार्केट में आपके लिए और भी ढेरों ऑप्शंस मौजूद हैं। अब बात करते हैं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की, और नोकिया के हिसाब से तो नोकिया 5.3 की बैटरी 2 दिन तक आपका साथ बड़े आराम से दे जाती है। और अपनी 10 से 15 दिनों की टेस्टिंग के दौरान मैंने इस बात को महसूस किया कि नोकिया का दावा काफ़ी हद तक सही है। मतलब ये फ़ोन अगर आप फुल चार्ज करते हैं डे वन पे, तो अगले दिन यानी कि आज अगर सुबह मैंने इस फ़ोन को फुल चार्ज किया तो कल रात तक इस फोन में 5-10% बैटरी बचेगी। तो भले ही पूरे 48 घंटे की इसकी बैटरी लाइफ ना हो, लेकिन 36 से 40 घंटे तो इसकी बैटरी बड़े आराम से साथ दे देती है। तो फुल मार्क्स ऑन दिस। अब बात इसके पॉइंट्स की, तो नोकिया 5.3 को परफॉर्मेंस के मामले में मैं दूंगा 10 में से 8। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। देखो भाई, 15,000 रुपये से भी कम की प्राइस रेंज में अगर आप वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन वाले कैमरे का एक्सपीरियंस चाहते हैं, सो गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई मामू, जग जाइए। आपको ऐसा बिल्कुल भी कोई भी कंपनी ऐसा दावा भी कर रही होगी तो वो झूठा दावा होगा। ऐसा फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस आपको 15,000 रुपये से कम की प्राइस रेंज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इसका प्राइस और इसके कैमरे की क्वालिटी को अगर आप वो वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से उस रेशियो में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो नोकिया 5.3 कैमरे के हिसाब से काफ़ी पैसा वसूल कैमरा फ़ोन माना जाएगा। आपको काफ़ी बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन नोकिया 5.3 में मिलता है। इसमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, वो भी सर्कुलर मॉड्यूल के अंदर, जो कॉम्बिनेशन है 13 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के कैमरे का, जो प्राइमरी अल्ट्रा वाइड मैक्रो और डेप्थ लेंस के साथ आते हैं। नोकिया 5.3 से खींची गई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको सामने नजर आ रही होंगी। कलर्स कैप्चर करने के मामले में नोकिया 5.3 का कैमरा काफी बढ़िया है, एंड द बेस्ट पार्ट इज काफी नेचुरल कलर्स कैप्चर करता है इसका कैमरा। अच्छी लाइट में इससे खींची तस्वीरें काफी डिटेल्ड कैप्चर होती हैं, लेकिन लो लाइट और हार्श लाइट में इसका इमेज प्रोसेसर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और एंड रिजल्ट उतना इंप्रेसिव नहीं दिखता। हालांकि नोकिया का AI इंजन आपके पेट्स की, फूल पत्तियों की तस्वीरें अच्छे से कैप्चर करता है, तो अगर आपके घर में पेट्स हैं तो नोकिया 5.3 का कैमरा आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको अपने पेट्स की तस्वीरें खींचने में काफ़ी मदद करेगा नोकिया 5.3 का कैमरा। ओवरऑल कीमत के हिसाब से नोकिया 5.3 के कैमरे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि नोकिया इज़ बैक। तो कैमरे के मामले में मैं देता हूँ नोकिया के कैमरा के पैसा वसूल एक्सपीरियंस को 10 में से 9 मार्क्स। अब बात सीधे वर्डिक्ट की। देखो भाई, अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है तो नोकिया 5.3 काफी बढ़िया फोन है, काफी अच्छी चॉइस हो सकता है 15,000 रुपए से भी कम के प्राइस रेंज में। बढ़िया परफॉर्मेंस है, दमदार बैटरी है, गूगल और नोकिया दोनों के भरोसे के साथ आता है, बढ़िया कैमरा है, पैसा वसूल फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात कि गारंटेड OS अपडेट्स मिलते हैं आपको नोकिया 5.3 में। अब 15,000 रुपये से कम में इतना सब कुछ मिल रहा है तो और नहीं तो क्या, बच्चे की अब जान लोगे क्या? तो मतलब कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नोकिया 5.3 काफ़ी पैसा वसूल फ़ोन है, और अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन पर आपको रिपोर्ट कार्ड तो नज़र आ ही रहा होगा।
बट नोकिया 5.3 के बारे में बॉटम लाइन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नोकिया 5.3 के साथ नोकिया इज बैक। अब नज़र रखनी पड़ेगी स्मार्टफोन पर। अब इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करो बल्कि सब्सक्राइब करवाओ भी। भाई आपके भाई का चैनल है, इसे टॉप पर पहुंचाना है, ठीक है? तो चलिए अब मिलते हैं बाजू वाले वीडियो।